ये संयोजित प्रदर्शन है। भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा क्षेत्र में बढ़ता भारत और उसमें तीनों सेनाओं की भारत शक्ति, जिसका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक संयोजित प्रदर्शन है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री पोखरण पहुंच चुके हैं। पोखरण का अपने आप में काफ़ी महत्व है। पोखरण का महत्व बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी महत्व के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोखरण पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत शक्ति का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का ये एक बड़ा प्रदर्शन। इसमें 11 ऐसे वेपन शामिल हैं जिनका पहले आयात किया जाता था, लेकिन अब वो भारत में निर्मित होते हैं। तो तीनों सेनाओं की स्वदेशी क्षमता सामर्थ्य का प्रदर्शन, भारत शक्ति, जिसका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवी और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर शुभागमन। जय हिंद। राष्ट्र की अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति हमारे अटल संकल्प की साक्षी पोखरण की इस वीर वसुंधरा पर देश के इतिहास के सबसे विराट युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भारत शक्ति में हमारे मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित अन्य गणमान्य विभूतियों का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय सानिध्य से हम सभी गौरवान्वित हैं। थल सेना अध्यक्ष महोदय से निवेदन कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक्सरसाइज भारत शक्ति के उपलक्ष्य में स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। अब हम थल सेना अध्यक्ष से स्वागत संबोधन के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गणमान्य अतिथिगण, बहादुर जवानों, देवी और सज्जनों, मैं आप सभी का एक्सरसाइज भारत शक्ति ट्राई सर्विसेज फायर पावर एंड मैनुअल डेमोन्स्ट्रेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपस्करों की शक्ति, क्षमता और विश्वसनीयता का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह युद्ध अभ्यास तीनों सेनाओं के जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन को भी प्रदर्शित करेगा। सशस्त्र बलों का आत्मनिर्भर होना न केवल वेपन सिस्टम्स या इक्विपमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युद्ध और उसकी तैयारी के लिए आवश्यक अन्य संसाधन तथा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी उतना ही जरूरी है। पारंपरिक रक्षा उपकरणों के अलावा तीनों सेनाओं में तैनात नई और नीश टेक्नोलॉजी को भी आज प्रदर्शित किया जाएगा। हमारी सेनाएं राष्ट्रीय विजन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरे समन्वय और तालमेल से कार्य कर रही है। मैं सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण के आधार स्तंभ पर हम सक्षम, प्रबल और तत्पर सैन्य बलों के रूप में भविष्य की चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। साथ ही उभरते और विकसित भारत
की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता से अपना दायित्व निभाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक्सरसाइज भारत शक्ति आरंभ करने की अनुमति चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, आपके दिशा ज्ञान के लिए एक्सरसाइज भारत शक्ति में उपयोग में आने वाले कुछ जमीनी निशान को बीएमपी के ट्रेसर फायर और धमाके से दर्शाया जाएगा। रेंज की सुरक्षा, समय और दूरी की कमी को ध्यान रखते हुए इस युद्ध अभ्यास में की गई गतिविधियों को कम अनुपात पर दर्शा रहे हैं। अब आप अपना ध्यान बिल्कुल सामने ब्लैक स्क्रीन पर बने ऑरेंज एरो पर ले जाएं। नाम ऑरेंज एरो। ऑरेंज एरो के बाएं और दाहिने तरफ बढ़ते हुए दो ड्यून जो मध्य से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, नाम लेफ्ट फिंगर तथा राइट फिंगर। इनके सामने का इलाका दूर तक आज के एक्सरसाइज का टारगेट एरिया है। अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं। स्काईलाइन पे एक छोटी डिग्री जिसके ऊपर काले स्क्रीन पे सफेद निशान है। अब अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं। इसी प्रकार के सफेद निशान के साथ काला स्क्रीन खुली जमीन में लगा है। ये दोनों स्क्रीन आज की इस एक्सरसाइज की बाई और दाहिनी हद दर्शाते हैं। अपना ध्यान टारगेट एरिया में रखें। बाएं से दाहिने टारगेट्स इस प्रकार हैं। सबसे बाएं टारगेट ग्रुप एक, दुश्मन की मैकेनाइज्ड कंपनी। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप दो, जिसके पीछे दुश्मन की आर्टिलरी गन पोजीशन और फ्यूल डिपो। आपके सामने और थोड़ा बाएं टारगेट ग्रुप तीन, दुश्मन का लीडिंग टैंक कॉलम। इसके आगे टारगेट ग्रुप चार, दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सेंटर। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप पांच, दुश्मन के रिजर्व टैंक्स। बिल्कुल सामने टारगेट ग्रुप छह, दुश्मन की गाड़ियां। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप सात, डायरेक्ट फायरिंग टारगेट। येलो स्क्रीन टारगेट ग्रुप आठ, दुश्मन की पैदल सेना के दस्ते। ठीक सामने 100 मीटर एक बाएं से दाहिने जाता हुआ सैंड ड्यून, जिसके बाएं तरफ लाल झंडे और दाहिने तरफ कैमोफ्लाज नेट्स हैं, नाम ब्राउन रिज। यहां से 18 किलोमीटर दूर दुश्मन का कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर। इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में दुश्मन देश की लगातार की जा रही आतंकवादी एवं देश विरोधी गतिविधियों के फलस्वरूप हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन पर हमला बोल दिया है। इस युद्ध में तीनों सेनाएं भारत में निर्मित इक्विपमेंट की विभिन्न युद्ध क्षमताओं को संयुक्त और संगठित रूप से इस्तेमाल करेंगी। इस समय हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन के दस्तों को बर्बाद करने के लिए अग्रसर हो रही है। इस प्रकार के ऑपरेशन में आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्तों को सपोर्ट करने के लिए भारतीय वायु और नौसेना के फाइटर जहाज ऑपरेट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट्स लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के द्वारा प्रिसिजन गोलाबारी के साथ दुश्मन के फ्यूल डंप्स,
ब्रिजेस और कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद करते हैं। इन ऑपरेशन की कामयाबी के लिए स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन बेहद जरूरी होता है। देवियों और सज्जनों, आज के इस ऑपरेशन की शुरुआत हमारी तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस के दुश्मन के इलाके में इंसर्शन से होगी, जिसके लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 ध्रुव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देवियों और सज्जनों, अपना ध्यान सामने ले जाएं। यहां आपके दाहिनी ओर से हमारे ही भारत में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव आ रहा है, जिसमें एक लाइट व्हीकल अंडर स्लंग मोड में दिख रही है। ठीक उसी के पीछे एक और ALH, जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, नौसेना के मरीन कमांडोज मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ को स्लिदरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है। जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस द्वारा इंसर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन, आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। ये स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बाइनोकुलर, थर्मल इमेजिंग वेपन साइट और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज का इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। देवियों और सज्जनों, आप अपना ध्यान ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं। स्क्रीन से थोड़ा बाईं ओर नीचे के इलाके को ध्यान से देखें। अब आप कभी भी किसी भी वक्त अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। ये देखिए कैसे किस प्रकार सरप्राइज और सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये पैरा कमांडोज हाइट से निकलकर LSV और ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए मिशन को हासिल करने के लिए तेजी से हरकत कर रहे हैं। इसको आप अब अपने सामने देख सकते हैं। और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के दो स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाएं रखें। उदीमान भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस नए भारत का नया लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूता हिंदुस्तान। आप देखेंगे कुछ ही पलों में बाएं से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन पर बमबारी के लिए आगे बढ़ता नजर आएगा। देवी और सज्जनों, बाएं से उड़ान भरते हुए LCA तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। रेंज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एयरक्राफ्ट केवल फ्लेयर्स के फायर द्वारा अपनी युद्ध क्षमता को दर्शा रहा है। अपना ध्यान बाएं ले जाएं। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार। युद्ध के समय सूचना एकत्रित करने के लिए हमारी सेना के पास इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रेकी के विभिन्न सिस्टम्स हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे ऊंचे लेवल पर सर्वेलेंस सैटेलाइट्स तथा मध्य लेवल पर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट या RPA हेरॉन हैं। इसके अलावा लो लेवल पे 200 मीटर से लेकर 280 किलोमीटर तक की दूरी के विभिन्न सर्वेलेंस ड्रोन जैसे सर्वे ड्रोन और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट दिन और रात के समय सूचना एकत्रित करते हैं। ये सारे सिस्टम्स एक नेटवर्क वातावरण में ऑपरेट करते हुए दुश्मन का एग्जैक्ट लोकेशन हायर हेडक्वार्टर को भेजते हैं। इस सूचना के आधार पर हायर हेडक्वार्टर ने हमारे सशक्त पिनाका और ग्रैड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को मोबिलाइज करने का ऑर्डर पास किया है। अब अपना ध्यान आधा दाहिने ब्लैक स्क्रीन के पास खुली जमीन पर ले जाएं, जहां 6 ग्रेड लॉन्चर्स फायर करने के लिए तैयार हैं।
ये रॉकेट सिस्टम कुछ ही देर में टारगेट लॉक होते ही अपने रॉकेट के विनाशकारी फायर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को बर्बाद करेंगे। के बाद अब पिनाका अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन का विनाश करेगा। अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां आप 6 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स को देख सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत 175 एमिनेशन कैटेगरीज में से 154 कैटेगरीज को अब स्वदेश में ही निर्मित किया जा रहा है। इसमें पिनाका रॉकेट भी शामिल है। अब आप पिनाका के विध्वंसकारी फायर को किसी भी क्षण दुश्मन के कमांड तथा कंट्रोल हेडक्वार्टर के बचे हुए दस्तों को नेस्तोड नाबूद करते हुए देखेंगे। अपना ध्यान बाईं तरफ रखें। पिनाका शब्द पिनाक से लिया गया है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए भेंट किया था, ताकि राक्षसों का विनाश हो सके। यक्ष स्वरूपाए जटाधराए पिनाक हस्ताए सनातनाए दिव्याय देवाय दिगंबराए तस्मय कराए नमो शिवाय। अब आप स्क्रीन पर लाइव आरपीए फुटेज के द्वारा इनग्रैड और पिनाका रॉकेट सिस्टम के प्रहार से दुश्मन के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, विशाखापट्टनम, कोलकाता और दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, शिवालिक और ब्रह्मपुत्र क्लास ब्रिगेड्स आत्मनिर्भर भारत की तरफ दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। नौसेना के कैरियर टास्क फोर्स, सरफेस एक्शन ग्रुप्स, रिप्लेनिशमेंट ग्रुप्स एवं सबमरीन अपने निर्धारित जगह पर तैनात होकर इंटीग्रल एवं शोर एयर सपोर्ट से सर्वेलेंस कर रहे हैं। नौसेना के मरीन कमांडोज या मार्कोस विजिट पोर्ट सर्च एवं सीजर यानी कि PBSS ऑपरेशन करके दुश्मन की हथियार आपूर्ति पर नाकाबंदी करते हैं और जंग की सामग्री के पहुंचने में अवरोध पैदा करते हैं। इसके अंतर्गत थल सेना और वायु सेना के साथ मिलकर नौसेना अपनी योजना के मुताबिक ऑपरेशन को जल मार्ग से तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस समय हमारी वायुसेना ने दुश्मन के एयरबेस और महत्वपूर्ण कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर को अपने सटीक फायर से बर्बाद कर दिया है। वायुसेना के द्वारा किए गए ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस की वजह से फेवरेबल एयर सिचुएशन हासिल कर ली गई है। इस वजह से थल सेना के ऑपरेशन में हवाई हमले का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। इन ऑपरेशंस का फुटेज अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस प्रकार भारतीय सेनाएं थल, जल और वायु के द्वारा आक्रमण करके दुश्मन को चारों दिशाओं से बर्बाद कर रही हैं। तीनों सेनाएं अपनी समस्त शक्ति और इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन का दुरुस्त उदाहरण देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शा रही हैं। आप अपना ध्यान ब्राउन रिज के दाहिने किनारे पर डिप्लॉयड 4 रडार्स पर ले जाएं। आपकी सुविधा के लिए ये रडार्स टी, डब्ल्यू, बी और आर स्क्रीन से दर्शाए गए हैं। बाएं से दाहिने टी से दर्शाया 3D TCR रडार, डब्ल्यू से दर्शाया वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति,
बी से दर्शाया बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार मीडियम रेंज या बीएफएसआर एमआर और आर से लॉन्ग रेंज सिस्टम डिप्लॉयड है। इनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हायर कमांडर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित धनुष और शारंग मीडियम आर्टिलरी गन्स के प्रभावशाली फायर से दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश दिया है। मीडियम आर्टिलरी गन्स के फायर को गाइड करने के लिए एक थल सेना की रेकी एंड ऑब्जर्वेशन चेतक हेलीकॉप्टर को दिशा देने के लिए भेजा गया है। अब आप अपना ध्यान पूरा दाहिने ले जाएं। यहां से 7 किलोमीटर दूर आप धनुष और शारंग गन सिस्टम के फायर को देख सकते हैं, जो आपको फ्लैश के जरिए दिखेगा। ये दोनों गन सिस्टम चेतक हेलीकॉप्टर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन का इस्तेमाल करके विनाशकारी प्रहार से टारगेट ग्रुप 2 को बर्बाद करेंगे। टारगेट ग्रुप 2 पर धनुष और शारंग की भारी गोलाबारी से दुश्मन के फ्यूल डिपो और आर्टिलरी गन पोजीशन का विनाश, धुएं का गुबार और धुएं के गुबार में चूर चूर होता दुश्मन का अहंकार। इन सभी गन्स के फायर का समन्वय भारत में ही निर्मित शक्ति फायर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज फायर में मौसम की वजह से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा बनाए गए मौसम ऐप तथा थल सेना के द्वारा विकसित अनुमान ऐप को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शारंग और धनुष स्टोर आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं, जिनको फायर करने से पहले गन एरियाज में हाई मोबिलिटी 6x6 गन टोइंग व्हीकल द्वारा लाया जाता है। इसी का एक उदाहरण आप अपने बिल्कुल सामने दाहिने से बाएं हरकत करते हुए देख सकते हैं। इन्हीं के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत निर्मित K9 वज्र को इनके पीछे हरकत करते हुए देख सकते हैं। K9 वज्र एक सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम है, जो लड़ाई के दौरान किसी गन टोइंग व्हीकल यानी GTV के बिना टैंक और मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ हरकत कर सकता है। इनडायरेक्ट फायर के अलावा आर्टिलरी गन्स डायरेक्ट फायरिंग रोल में भी इस्तेमाल की जाती हैं। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान दाहिने ले जाएं। कुछ ही पलों में आप इसका उदाहरण राइट फिंगर के दाहिनी तरफ देखेंगे, जहां 3 K9 वज्र तैनात हैं। इनके साथ सबसे बाईं तरफ ग्रीन फ्लैग से दर्शाया गया वाहन कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैक्ट कहलाता है, जो इस वेपन सिस्टम के फायर का समन्वय करता है। ये गन सिस्टम भारत चीन सीमा पर भी तैनात किया गया है। टारगेट एक्विजिशन करते ही ये गन्स अपने डायरेक्ट फायर द्वारा टारगेट ग्रुप 7 पर दुश्मन के टैंक्स को बर्बाद करेंगी। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान टारगेट ग्रुप 7 पर ले जाएं। स्वदेश निर्मित K9 वज्र हर इलाके में मैकेनाइज्ड फोर्सेस को मैचिंग क्रॉस कंट्री गतिशीलता प्रदान करता है। इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में 38 किलोमीटर, डायरेक्ट फायरिंग रोल में 1 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। उच्च फायर गति से 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र हर फौलाद को भेदने की महारत रखता है। जिसकी अस्थि से वज्र बना, ये उस दधीची का अंशदान, सब कुछ माटी पर वार दिया, ये उस प्रताप का स्वाभिमान, ये उस प्रताप का स्वाभिमान।
हमारी वायुसेना और आर्टिलरी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सटीक गोलाबारी से दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर आप अपना ध्यान बाएं तरफ ले जाएं, तो आप थल सेना के रेकी दस्ते हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। ये दस्ते दुश्मन की सूचना प्राप्त करने के लिए एरिया लेफ्ट फिंगर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं। इनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाई हेडक्वार्टर ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्वार्म ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार करने का निर्णय लिया है। इन हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स को सही इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल प्लान में शामिल करने के मद्देनजर भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया है। देवी और सज्जनों, अभी टॉप अटैक म्यूनिशन का इफेक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, जहां पर आप इन अटैक स्वार्म ड्रोन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, रेकी दस्तों की दी गई सूचना के आधार पर ICBMP-2 सारथ सारथी की तरह युद्ध को दिशा देने के लिए एडवांस करेगा। इनके एडवांस को लीड करने के लिए इनके रेकी दस्ते के 3 ICBMP-2 आगे बढ़ रहे हैं। बाएं वाले दोनों BMP 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम तथा सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम के द्वारा रुकावट को पार करेगा, एवं दाहिने वाला BMP मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए आने वाली रुकावट को पार करेगा। मॉड्यूलर ब्रिज की यह खासियत है कि इसकी लंबाई जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सामने और थोड़ा बाई ओर, बाएं एक 46 मीटर और दाहिने 14 मीटर का ब्रिज BMP-2 बाएं वाले 46 मीटर के ब्रिज को पार करेगा, जो कि ऐतिहासिक तौर पर युद्ध अभ्यास में पहली बार किया जा रहा है। ये सारे ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय थल सेना की उच्च कॉम्बैट इंजीनियरिंग काबिलियत का बेहतरीन उदाहरण है। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां रेकी दस्ते की सूचना के आधार पर आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की टुकड़ियां आगे बढ़ती नजर आएंगी। इसमें शामिल सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2, 3 क्रू और 7 सैनिकों को पूरे कॉम्बैट लोड के साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर स्थापित हैं, जो शक्तिशाली कॉन्क्रूज मिसाइल फायर करने की काबिलियत प्रदान करता है। इसके अलावा 30 मिलीमीटर कैनन भी लगी है, जो तीव्र गति से भीषण गोलीबारी करने में सक्षम है। ये BMP अपनी फायर पोजिशन को इख्तियार करते ही पहले 30 मिलीमीटर कैनन और फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सटीक प्रहार से दुश्मन के टारगेट ग्रुप 3 को ध्वस्त करेंगे। अपना ध्यान बाई तरफ ले जाएं, जहां BMP-2 टारगेट ग्रुप 3 पर 30 मिलीमीटर कैनन से फायर कर रहा है। सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु तथाविधं शरासंधरः कश्चित् दधा पार्थो धनंजयः। संपूर्ण विश्व के किसी भी युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के समतुल्य कोई धनुर्धर नहीं है।
पराक्रम की इसी पराकाष्ठा से प्रेरित स्वदेश निर्मित मेन बैटल टैंक अर्जुन, जिसका एक दस्ता बाएं से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति एवं फौलादी कवच से सुसज्जित एक अति आधुनिक टैंक। इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित फिन स्टेबलाइज्ड तथा आमर पियर्सिंग एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में सक्षम। लड़ाई के मैदान में टैंकों का महत्व हाल में चल रहे युद्धों में साफ उभर के आया है। धूल का गुबार प्रतीक एमबीटी अर्जुन के थार की पावन मिट्टी के प्रति नमन का, वो माटी जिसके कण कण में बहादुरी एवं बलिदान की महक रची बसी है, जिसमें राणा प्रताप का स्वाभिमान है, लौंगे वाला का विजय गान है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाईं तरफ लेफ्ट फिंगर पर ले जाएं, जहां मेन बैटल टैंक अर्जुन अपने मेन गन से और BMP-2 सारथ अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स के संगठित फायर से टारगेट ग्रुप 3 में दुश्मन के टैंकों को तबाह कर रहे हैं। मेन बैटल टैंक अर्जुन का आमर पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, जिसे कंचित नाम दिया गया है। ये टैंक के क्रू को किसी भी हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। सात दशमलव 7.62 मिलीमीटर मशीन गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन इस स्वदेशी टैंक को बेहद शक्तिशाली बनाते हैं। हतोवा प्रापस्यसी स्वर्गम जीत्वा भोक्षस्ये महीम तस्मात् उतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन के माध्यम से युद्ध के लिए कृत संकल्प होने का महाभारत का ये संदेश हर भारतीय सैनिक के लिए एक प्रेरणा है। इसी मार्ग पर चलते हुए वो देश के दुश्मनों का विनाश करता आया है, और युद्ध की इन्हीं परंपराओं से प्रेरित मेन बैटल टैंक अर्जुन शत्रु की विनाश लीला रचते हुए। अब आप अपना ध्यान ऊपर की तरफ ले जाएं तो देख पाएंगे थल सेना के 2 और वायु सेना के 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर या LH Mark IV वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड, जिसे रुद्र कहते हैं। ये आर्म्ड हेलीकॉप्टर हमारे मैकेनाइज्ड दस्तों के साथ एयर कैवलरी की तरफ फायर सपोर्ट देता है और थर्ड डायमेंशन से दुश्मन के ऊपर भारी मात्रा में क्षति पहुंचा सकता है। डमट 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 निनाद उबट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। रुद्र हेलीकॉप्टर के प्रलयकारी प्रहार ने शिव तांडव रचते हुए दुश्मन के टैंक और हेवी व्हीकल कॉलम को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया है। MBT अर्जुन और BMP-2 जैसे वेपन सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए दुश्मन ने अपने फाइटर जहाज, अटैक हेलीकॉप्टर और टॉप अटैक ड्रोन्स को भेजा है। इनकी जानकारी भारतीय वायु सेना की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS से इंटीग्रेटेड भारत में निर्मित आकाश तीर और रडार्स के द्वारा थल सेना की एयर डिफेंस को प्राप्त हुई है। इस खबर के परिणाम स्वरूप आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पे हमारे भारत में अपग्रेड किए हुए शिल्का और ट्रक माउंटेड ZU-23 एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स तेजी से डिप्लॉय हो रहे हैं। इस हरकत के दौरान आप देखेंगे कि एक ब्रिज लेइंग टैंक BLT-72 के द्वारा लगाए गए ब्रिज का इस्तेमाल करके
एक अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम रास्ते में आई बाधा को पार करके अपनी फायर पोजीशन को इख्तियार करेगा। अपना ध्यान सामने पहले से मौजूद अपग्रेडेड L-70 वेपन सिस्टम के ऊपर ले जाएं। ये मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज नेट्स का इस्तेमाल करके खुद को विजिबल नियर इंफ्रारेड एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रडार बैंड से अपने आप को छुपाए हुए हैं। अब आप इन नेट्स के हटने के बाद इस वेपन सिस्टम को अपने सामने देख सकते हैं। देवियों और सज्जनों, दुश्मन की हवाई जहाज को सिमुलेट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बनाए गए भारतीय नौसेना के एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और थल सेना के शिखरा एरियल टारगेट सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम भारत में ही निर्मित ट्रेनिंग सिस्टम है जो रिकवरेबल है और अपने एयर डिफेंस क्रू को वास्तविक रूप से प्रशिक्षण देने में मदद देता है। रेंज की सुरक्षा तथा गति को ध्यान रखते हुए कुछ ही देर में इन्हें ऊंचे ऑल्टीट्यूड से उड़ाया जा रहा है, जिसका दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इससे भी छोटे रडार क्रॉस सेक्शन वाले एरियल टारगेट्स दाहिने से बाएं इंगेजमेंट एरिया की तरफ उड़ते हुए दिखेंगे। ये वेपन सिस्टम्स इन एरियल टारगेट्स को अपने सटीक और तीव्र पहाड़ से बर्बाद करेंगे। अभी अभी देखा किस तरह से हमारी एयर डिफेंस के वेपन सिस्टम ने दुश्मन के हवाई हमले को अपने सटीक फायर से नाकाम कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्वदेश में निर्मित आधुनिक वेपन और सेंसर्स जैसे सरफेस सर्वेलेंस रेडार एवं ब्रह्मोस मिसाइल, हमसा सोनार एवं वरुणास्त्र और एडवांस लाइटवेट टॉर्पेडोज, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, सुपर रैपिड गन माउंट, 30mm गन माउंट और सरफेस टू एयर मिसाइल से सुसज्जित हमारी नौसेना दुश्मन के बेड़े पर कहर बरसा रही है। इसके साथ ही थल में हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को टारगेट करने के लिए दुश्मन अपने ड्रोन्स और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। इन ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत बने नौसेना की नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम या NADS एवं थल सेना का इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम या IDDIS आपके सामने एरिया ब्राउन रिज पर बाएं और थोड़ा नीचे की तरफ तैनात है। ये दोनों सिस्टम्स संगठित रूप से अपने लेजर बीम का इस्तेमाल करके हार्ड किल से दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद करेंगे। प्रेमी और सज्जनों, लेजर बीम को धूप की वजह से आप नहीं देख सकते, मगर टारगेट ग्रुप 8 के ऊपर आप दुश्मन के ड्रोन को इन सिस्टम्स के द्वारा बर्बाद होता हुआ देख पाएंगे। देवी और सज्जनों, आप साक्षी हैं इस ऐतिहासिक पल के जहां NADS और IDDIS ने संगठित रूप से दुश्मन के उड़ते हुए ड्रोन को जमीन दोज कर दिया है। अब हम दुश्मन के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं। हमारे अर्जुन और BMP-2 के अचूक प्रहार से भयभीत, विस्मित और भौचक्का हुआ दुश्मन हमें बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त इन्फेंट्री एक गैप को ब्लॉक करने के लिए ब्राउन रिज के दाहिनी तरफ आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाए गए 3D बंकर्स, जिसकी छत पर लाल झंडा है, का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल डिफेंस पोजीशन अख्तियार कर रही है। दुश्मन की पोजीशंस को डिटेक्ट करने के लिए आधुनिक तकनीक से बने सर्वेलेंस कॉप्टर और मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल स्विच ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके सामने
इन्फेंट्री तेजी से स्वदेश में निर्मित कवचित और क्रॉस कंट्री मोबिलिटी प्रदान करने वाले क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल हैवी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल मीडियम, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आपके बिल्कुल सामने ब्राउन रिज पर जल्द से जल्द डिफेंसिव पोजीशंस ऑक्यूपाई करने के लिए बाएं से दाहिने हरकत करते हुए देखेंगे। एडवांस करते वक्त इनमें से एक गाड़ी एरिया ब्राउन रिज के मध्य और नीचे आने वाले रुकावट को भारत में निर्मित 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम के द्वारा पार करेगी, जिसे पीले झंडों से दर्शाया गया है। इसी प्रकार पैदल सेना के दूसरी कंपनी ने लेफ्ट फिंगर में एक और गैप को ब्लॉक करने के लिए एडवांस किया है, जिसे आप अपने बाएं तरफ देख सकते हैं। लड़ाई के हालात में ये पैदल सेना किसी खुले गैप में पोजीशन इख्तियार करती, मगर फायरिंग रेंज की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इन गाड़ियों को एमबीटी अर्जुन और BMP-2 के पास रोका गया है। इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी को बेहतर करने के लिए इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम को विकसित किया गया है, जो हमारी इन्फेंट्री को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम और सशक्त बना रहा है। इस नए सिस्टम के अंतर्गत एक सोल्जर की फायर पावर, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन, सर्वेलेंस, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटीज, सर्वाइवेबिलिटी, कम्युनिकेशन और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनी मल्टी स्पेक्ट्रल एमिंग डिवाइस और होलोग्राफिक साइट के आने से क्विक टारगेट एक्विजिशन और एंगेजमेंट में मदद मिली है। एडवांस्ड नाइट विजन डिवाइस से LMG की रात के दौरान फायरिंग अत्यधिक प्रभावशाली हो गई है। इंडियन सोल्जर एज अ सिस्टम में इन्फेंट्री कॉम्बैट किट को भी शामिल किया गया है। इसमें एक्सोस्केलेटन, बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट और बॉडी कैमरा जैसे एडवांस्ड इंडिविजुअल कॉम्बैट सिस्टम्स हैं, जिन्हें आपने अपनी स्क्रीन पर कैमरा फुटेज के द्वारा देखा। लड़ाई के मैदान में नदी, कैनाल्स, दलदली जमीन, कच्चकरण और बर्फीले इलाके जैसी अनेकों बाधाओं को पार करने के लिए विशेष वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इसी को दर्शाते हुए दो स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल यानी SMV आपके आधे दाहिने की तरफ से सबसे ऊंचे ड्यून पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। और अब स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल से डिसमाउंट होने के बाद इन्फेंट्री आने वाली बाधा को माउंटेन फुट ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए पार करते अपनी डिफेंसिव पोजीशन को जल्दी इख्तियार करेगी। इसे आप अपने सामने और नीचे देख सकते हैं। इस ब्रिज को हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भारत चीन सीमा पर भी डिप्लॉय किया गया है और इसका इस्तेमाल करके एक 32 मीटर के गैप को ब्रिज किया गया है। अब आपके सामने इन्फेंट्री ने अपनी पोजीशंस को इख्तियार कर लिया है और आगे बढ़ते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए तैयार है। एक इन्फेंट्री बटालियन के पास दुश्मन के इन्फेंट्री दस्तों के अलावा उसके टैंकों को भी बर्बाद करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं। अभी आपके सामने इन्फेंट्री के कुछ वेपन सिस्टम बाएं से दाहिने इस प्रकार हैं: 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर, 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्कर्स और 81 मिलीमीटर मोर्टर। ये सभी हथियार अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 6 तथा 8 में बर्बाद करेंगे। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान इन्फेंट्री वेपन्स की तरफ ले जाएं। अपने नजदीकी सटीक प्रहार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हमारे इन्फेंट्री के शूरवीर आधुनिक उपकरणों एवं हथियारों से दुश्मन की हर चुनौती को चुनौती देने के लिए तैयार है हमारी पैदल सेना।
लड़ाई के दौरान एम्यूनिशन और सप्लाईज की निरंतर आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी तक जमीनी वाहनों से एम्यूनिशन रिप्लेनिश किया जाता था, पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते ये कार्रवाई ड्रोन के द्वारा भी की जा सकती है। अब आप अपना ध्यान बाएं ले जाएं, जहां इतिहास में पहली बार एक लॉजिस्टिक ड्रोन की मदद से अर्जुन टैंक पर एम्यूनिशन की आपूर्ति की जाएगी। ये ड्रोन एक एमबीटी अर्जुन को एम्यूनिशन बॉक्स को लेकर दाहिने वाले मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ उड़ते हुए जा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस दिशा में और भी नए उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि रोबोटिक म्यूल, टैक्टिकल लोड हॉलर और लॉजिस्टिक्स रफ टेरेन व्हीकल। अपना ध्यान सामने और नीचे लगे हुए ब्रिज के दाहिने अलग से लगाए हुए ट्रैक के ऊपर ले जाएं, जहां आप इन सिस्टम्स को कार्य करते हुए देख सकते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में भी इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत में ही निर्मित स्पेशल क्लोदिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट तथा एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोदिंग को पहने हुए पैदल सेना सेचिन जैसे मुश्किल इलाकों में भी सहूलियत से इन सामग्रियों को फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकती है। अब आप अपना ध्यान वापस एरिया लेफ्ट फिंगर के पास मॉड्यूलर ब्रिज की तरफ ले जाएं, जहां ये ड्रोन अर्जुन टैंक को एम्यूनिशन सप्लाई करने के लिए लैंड कर चुका है और क्रू ने एम्यूनिशन कलेक्ट किया है। अब ये क्रू एम्यूनिशन लेने के बाद तेजी से टैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस वक्त दुश्मन अपने रिजर्व आर्मर का इस्तेमाल करके हमारी पोजिशन को बाएं से आउटफ्लैंक करने की कोशिश कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसर्स और प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम तक पहुंच चुकी है और अब हमारे रिजर्व फोर्स के 14 T-90 टैंक भीष्म तथा वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड संगठित रूप से थल सेना और वायुसेना के इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए दुश्मन के मैकेनाइज्ड दस्तों को बर्बाद करेंगे। इसी को देखने के लिए अपना ध्यान बाएं वाले काले और सफेद स्क्रीन के आगे की तरफ ले जाएं, जहां आप इन T-90 टैंक्स के पीछे उड़ती हुई धूल को देख सकते हैं। रेतीला इलाका होने की वजह से इन टैंकों को देखने के लिए अपनी नजर उड़ती हुई धूल के निचले हिस्से पर ले जाएं, जहां भीष्म टैंक के संहार का सबल सामर्थ्य दिखेगा। अभी आप अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं, जहां आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत बना हुआ भारतीय वायुसेना का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तथा थल सेना के T-90 टैंक्स तेजी से बाएं से दाहिने की ओर बढ़ रहे हैं और अपने सटीक और तीव्र प्रहार से दुश्मन को टारगेट ग्रुप 1 में बर्बाद करेंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड संहार का आकाशीय आयाम 70 मिलीमीटर रॉकेट्स और 20 मिलीमीटर नोज गन से सुसज्जित। तो शक्ति H1 इंजन का उपयोग। देवी और सज्जनों, अभी आपने देखा किस प्रकार LCH प्रचंड ने अपने प्रभावी फायर से टारगेट ग्रुप 1 में दुश्मन को धराशायी कर दिया। अब अपना ध्यान थोड़ा दाएं खुली जमीन की तरफ ले जाएं, जहां हमारे 28 T-90 टैंक अपनी मेन गन का संयुक्त प्रहार करते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। धूल का गुबार, भीष्म का प्रबल प्रहार और दुश्मन के इलाके में हाहाकार। लड़ाई के दौरान यह हरकत यहां से तकरीबन
25 से 30 किलोमीटर दूरी पर होगी, जबकि बाएं वाले T-90 टैंकों की कार्रवाई यहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर की जाएगी। T-90 को भीष्म के नाम से भी जाना जाता है, पितामह की प्रतिज्ञा की तरह अटल, अडिग, अजेय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में शामिल T-90। लो सिलहट, मजबूत आमर, इसके कवच को भेदना बेहद मुश्किल। अपने प्रबल प्रहार से दुश्मन के इलाके में हाहाकार मचाता T-90 भीष्म 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2000 राउंड्स की क्षमता वाली 7.62 मिलीमीटर मशीन गन, 300 राउंड्स की 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोट फायरिंग की काबिलियत इस टैंक को बेहद सशक्त बनाती है। अब आप देख रहे हैं किस तरह दाहिने से आगे बढ़ते हुए 28 T-90 टैंक बाएं वाले 14 टैंकों के साथ मिलकर अपने आधुनिक फायर कंट्रोल द्वारा दुश्मन पर अचूक प्रहार करते हुए उसके रिजर्व टैंकों को किल बॉक्स में बर्बाद कर रहे हैं। अपना ध्यान टारगेट ग्रुप 1 तथा टारगेट ग्रुप 5 में ही रखें। फायर और मूव का एक उत्कृष्ट उदाहरण। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, धूल का गुबार, दुश्मन के लेजर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम से बचाव के लिए टैंक T-90 81 मिलीमीटर एंटी थर्मल एंटी लेजर स्मोक ग्रेनेड भी फायर कर सकता है। इसका एक उदाहरण देते हुए आपके सामने सबसे नजदीक वाला T-90 टैंक 12 स्मोक ग्रेनेड फायर कर रहा। इसका एंटी थर्मल एंटी लेजर सफेद धुआं टैंक को छुपाव दे रहा। इसके अलावा इन T-90 टैंक्स में इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम यानी IMCS लगाया गया है। आप इस टैंक का एक उदाहरण अपने दाहिने सबसे ऊंचे ड्यून पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एक एडवांस कैमोफ्लेज सिस्टम है जिससे टैंक का रेडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी नॉर्मल पेंट किए हुए टैंक से बहुत कम है। अपना ध्यान सामने ले जाएं, जहां थलसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा T-90 टैंक्स के साथ मिलकर दुश्मन के टैंकों को टारगेट ग्रुप 1 तथा 2 में बर्बाद करते हुए नजर आएंगे। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की श्रृंखला में मार्क 4 को रुद्र के नाम से जाना जाता है। अपने प्रबल प्रहार से दुश्मन के शिविर में हाहाकार। लड़ाई के दौरान बैटलफील्ड में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक घायल टैंक क्रू को क्रिटिकल गोल्डन आवर पीरियड के अंतर्गत उपयुक्त अस्पताल में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करने के लिए टैक्टिकल लैंड रेडियो या सिक्योर आर्मी मोबाइल के द्वारा कॉल किया जा सकता है। अब अपना ध्यान लेफ्ट फिंगर पर ले जाएं, जहां एक चेतक हेलीकॉप्टर सबसे दाहिने वाले MBT अर्जुन के इंजन डेक से कैजुअल्टी को एक अत्यंत मुश्किल मैनूवर से इवैक्यूएट कर रहा है, जो पायलट की काबिलियत को दर्शाता है। अपना ध्यान एरिया लेफ्ट BMP-2 को एक्टिवेट करके सबसे नजदीकी मेडिकल सुविधा की तरफ ले जाते हुए देख सकते हैं। टैंक और BMP के क्रू को इन दोनों साधनों की मदद से लड़ाई के मैदान से तेजी से इवैक्यूएट किया जाता है।
अब हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन को हर तरफ से घेर लिया है। हमारे सभी दस्ते अपने संयुक्त प्रहार से दुश्मन की सेना का पूर्णतः विनाश करने के लिए तैयार है। यही समय की पुकार है, भागवत का सार है, सैन्य धर्म की राष्ट्रीय हुंकार है, आरंभ है प्रचंड। देवी और सज्जन और रेंज की सुरक्षा और सीमित दूरी को देखते हुए पूरी कार्रवाई को सीमित और छोटे तौर पर दिखाया गया है। हम आपकी कल्पना पर छोड़ते हैं कि अगर हम शत्रु पर तीनों सेनाओं के साथ पूरी और अकल्पनीय होगा। प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड हो, वतन के दुश्मनों के तुम कहर के काल दंड हो, नजर से मात्र ही तेरे अरी तो खंड खंड हो, जमी तो नाप लो सभी वो आसमान सर धरो, विजय 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 करो, संपूर्ण तुम विजय करो। इसी के साथ एक्सरसाइज भारत शक्ति का समापन। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी राजनाथ सिंह जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, पीएसए प्रोफेसर अजय सूद जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी, नेवी चीफ एडमिरल हरिकुमार, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के सभी वीर और यहां पधारे पोखरण के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने जो दृश्य देखा अपनी तीनों सेनाओं का, जो पराक्रम देखा,
वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत आज, पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली Agni-5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा, और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है।
हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है। साथियों, रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही है वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं, आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं
कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है। इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था, आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साथियों, आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप जरा 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए, तब क्या चर्चा होती थी। तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास इतने दिनों का गोला बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थी। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने एचएएल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने एचएएल को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने करगिल युद्ध के बाद भी सीडीएस जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने इसको जमीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी, लेकिन आज देखिए, एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया। आप याद कीजिए, 4 दशकों तक ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया, लेकिन मोदी ने ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा, मैं आज जब राजस्थान में आया हूं तो मैं बताता हूं, राजस्थान के भी 2.25 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें ओआरओपी के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। साथियों, सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में
जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इस विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का उद्घोष है। हर भारतीय सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा है। समस्त सैन्य परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार श्रीमान। Thank you.